दोस्तों, आपकी कमर में बहुत तेज दर्द रहता है। कमर की दर्द घुटने तक खींचती है और घुटने से वो पैर के एरी तक वो दर्द खींचती जाती है। बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो दर्द है दोस्तों, इसे हम साइटिका का दर्द कहते हैं। ये एक नस होती है और इस नस से शुरू होने वाली पेन को कहा जाता है साइटिका का पेन। ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है और ये एपिसोड्स में आता है, यानी एक बार आया, 3 दिन तक रहते हैं, फिर वो वापस से ठीक होने लगता है। कभी कभी दोस्तों ये बहुत लंबे समय तक रह जाता है और बहुत ज्यादा दर्द देने लगता है दोस्तों, और हमें इसकी पहचान ही नहीं होती कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है। दोस्तों, ज्यादातर लोगों में ये दर्द जो होता है वो दाहिने पैर यानी राइट लेग में पहले ये होना शुरू हो जाता है। सुबह जब आप उठते हैं बिछावन से तो आपके एरी में दर्द होने लग जाता है। दोस्तों, ये बहुत तीखा दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो हो सकता है ये साइटिका का दर्द हो। इसके लिए आज मैं आप लोगों के लिए कुछ घरेलू उपचार लेकर आई हूँ। इस घरेलू उपचार की मदद से साइटिका के दर्द को ठीक किया जा सकता है और बहुत हद तक इसे मिनिमाइज किया जा सकता है। दोस्तों, साइटिका के नस जो है वो शुरू होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, जिसको कहा जाता है हिंदी में मेरु। दोस्तों, हमारे कमर से ऊपर और गर्दन तक रीढ़ की हड्डी होती है। इस हड्डी को बनाने के लिए छोटे छोटे हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, रीढ़ की हड्डी के बीच में एक मोटा सा छेद होता है जिसमें से एक नस पास होती है। वो नस लंबी होती है और उसकी मोटाई अंगूठे के बराबर की होती है। उसे हम साइटिका नर्व का नस बोलते हैं। और इसी नस में अगर भी कमजोरी आ जाए या फिर नस दब जाए तो साइटिका का दर्द शुरू होने लग जाता है। दोस्तों, इसमें कमजोरी आने का और नस दबने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण है, अगर आपको कहीं चोट लग जाता है तो भी इसकी दर्द शुरू हो जाती है, या फिर कभी कभी इसकी जो बनावट होती है डिस्क के, वो एक दूसरे की जगह से हिल जाने की वजह से, यानी छोटी छोटी हड्डियां एक दूसरे जगह से घिसक जाए तो भी नसें दब जाती हैं और साइटिका का दर्द शुरू होने लगता है। दोस्तों, इसका और कारण है हमारे शरीर में ज्यादा मोटापा आ जाना, इसकी वजह से भी साइटिका का दर्द होने लग जाता है। दोस्तों, अगर शरीर में काफी लंबे समय से डायबिटीज रह रहा है तो भी साइटिका का दर्द होने के चांसेस। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इसके सिम्टम्स, ताकि इसके हम लक्षणों को जान लेंगे तो हम घरेलू उपाय से इसको ठीक कर पाएंगे। इसके सिम्टम में दोस्तों, आपको सुबह सुबह एरी में दर्द रहेगा, नसें खींचेंगी घुटने के पास से कमर तक, कमर में दर्द रहने लगेगा बहुत तेज, साथ ही साथ सिर में दर्द रहने लगेगा, माइग्रेन की शिकायत होने लगेगी, हाथ पैर में चीटियां काटने जैसा दर्द होने लगेगा, हाथ पैर सुन्न होने लगेगा, सुगंध नहीं आएगी किसी भी चीज की, और आपके ये बहुत आगे चलकर अगर दोस्तों ये बहुत ज्यादा बढ़ जाने से कभी कभी तो पैरालिसिस तक भी हो जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए जो आज मैं होम रेमेडी आपको बता रही हूँ, इसमें हमें लहसुन का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, लहसुन बहुत ही फायदेमंद होती है साइटिका के दर्द में आराम दिलाने के लिए और इसकी सूजन को भी कम करती है। साथ ही साथ अगर आपके नसें कमजोर हो गई हैं तो वापस से उसको ठीक करने में मदद करती हैं। हमें यहाँ पर एक लहसुन लेना है। लहसुन को अच्छी तरह से कूट लेना है और इसे एक चाय वाली बर्तन लेना है, उसमें आपको 1 कप दूध डालनी है। दूध को अच्छे से उबाल लीजिए, उसके बाद उसमें आपको कूटा हुआ लहसुन डाल देना है। 3 लहसुन का हमें इस्तेमाल करना है दोस्तों, सिर्फ 1 दिन के लिए काफी है। दूध में जब हल्का और उबाल आने लगे तो इसमें आप सौंफ डाल सकते हैं, छोटी चम्मच से 1 चम्मच। इसको अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे उबाल लीजिए, उसके बाद आप इसे 1 कप में निकाल लें दोस्तों, और इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है। इससे आपके नसों में जो दर्द है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। नसों में जो ब्लॉकेज हो गई है, नसें कमजोर हो गई हैं साइटिका वाली, धीरे धीरे वापस से काम करनी शुरू हो जाएंगी और कमर के दर्द में भी आपको इससे बहुत राहत मिलेगी। दोस्तों,
अगर ये समस्या अगर डायबिटीज होने की वजह से है, अगर आपके शरीर में शुगर की बीमारी है, तो आपके लिए ये नुस्खा बहुत फायदेमंद है जो भी मैं आपको बता रही हूँ। या फिर जिनको नहीं भी ये समस्या है डायबिटीज का, तो भी वो लोग इसका इस्तेमाल जरूर से करें, क्योंकि ये वात दोष की वजह से भी होता है और ये जो भी मैं आगे बता रही हूँ होम रेमेडी, वो वात दोष को दूर करेगा। तो दूसरी रेमेडी में जो कि बहुत ही कारगर है, लेना है मेथी के दाने। एक छोटा चम्मच मेथी का दाना लीजिए, मेथी का बीज जिसे हम बोलते हैं, और साथ में आपको लेना है एक बड़े चम्मच से किशमिश। दोनों को पानी में भिगो के पूरी रात छोड़ देना है। दोस्तों, मेथी का दाना डायबिटीज को बहुत अच्छे से ठीक करता है और किशमिश हमारे वात को ठीक करता है। पेट में अगर कब्ज हो तो उसको बहुत अच्छी तरह से वो साफ कर देता है। दोनों ही चीजें अगर एक साथ कैसे खाई जाएंगी, किस वक्त खाई जाएंगी, बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए मैं अभी आपको बताऊंगी। सुबह उठने के बाद मेथी के दाने को, ये चिपचिपी हो जाएगी दोस्तों, इसको आपको चम्मच से निकालकर खाना है। साथ ही साथ आपको किशमिश फूलकर दुगुनी हो गई है तो इसे भी हमें खा लेना है। ये दोनों चीजों से आपके पेट में जो कब्ज रह रही है वो दूर होगी, साथ ही साथ आपका वजन भी कम होने लगेगा। वजन कम होने की वजह से साइटिका के दर्द में आपको आराम मिलेगा। डायबिटीज जो आपकी बढ़ गई है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो ये चीजें आपको लगातार लेनी है, पहले एक महीने लगातार लेनी है, उसके बाद फिर एक दिन बीच करके आप कंटिन्यू करें कम से कम 2 महीनों के लिए। दोस्तों, कमर में अगर बहुत तेज दर्द हो रही है तो उसके लिए आप एक तेल बना सकते हैं। उस तेल में आपको एक बर्तन एक ले ले, या फिर एक शीशे का बर्तन ले ले जिसे हम जार भी बोलते हैं, उसमें आपको डालना है तिल का तेल। तिल का तेल नहीं है, सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको 7 से 8 लहसुन छीलकर और हल्का सा कूच के डाल देना है, और इस तेल को आपको कम से कम 4 दिनों के लिए धूप लगानी है। उसके बाद इस तेल से आपको जहां भी दर्द है कमर में, मालिश करना है। दोस्तों, या तो धूप से आप इस तेल को हल्का गर्म करके मालिश करें, या तो आप इसको एक गर्म पानी के बर्तन में इस तेल के शीशे को डाल दें थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उस गुनगुने तेल से मालिश करें। इससे आपके कमर के दर्द में बहुत आराम मिलेगा। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कटी बस्ती बताई थी, आप वहां से जाकर कटी बस्ती भी देख सकते हैं कमर दर्द में राहत के लिए, सेटिका के दर्द में राहत मिलने के लिए। दोस्तों, आप कुछ योगा आसन भी कर सकते हैं, बहुत आसान वाला। इस समय आपको जिम नहीं जाना है, कोई भी मेहनत वाला काम नहीं करना है जब तक आपका सेटिका का दर्द आराम न मिल जाए। वज्रासन जिसे हम बोलते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है इसके लिए। ये मुद्रा आप रोज ही करें कम से कम 15 मिनट के लिए, तो ये सारी चीजें आपको सेटिका के दर्द से छुटकारा दिलाएंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें। कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें। शुक्रिया।